वादी कश्मीर के पहाड़ों पर हुई रवा मौसम की पहली बर्फबारी, वादी भर में दर्ज हरारत में गैर मामूली कमी की गई रिकॉर्ड। नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि वादी कश्मीर के गुलमर्ग, अफरवाट, सोनमर्ग, कंगन समेत दीगर बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई, जिसके बाद वादी भर में दर्ज हरारत में गैर मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में कहीं कहीं पर अभी भी बारिशों का सिलसिला जारी है। आइए मजीद जानकारी हासिल करना चाहेंगे महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस जी से कि कब तक मौसम अबर आलूद और कब तक बारिशों का सिलसिला वादी कश्मीर में जारी रहेगा। वेरी गुड मॉर्निंग सर, तो मौसम के हवाले से जानकारी हासिल करना चाहेंगे। जी जी जी, कल शाम और रात के दिन से लेके अभी आज सुबह तक मौसम पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उबरलू बना हुआ है, बल्कि कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फ भी हुआ है, हल्की बर्फबारी भी रिपोर्ट किया गया और ये सीजन का फर्स्ट स्नोफॉल है। जैसे गुलमार्ग, खिलन गुलमार्ग के ऊपर जो पहाड़ी इलाका है, खिलनमार्ग या कोंगडोरी, उसी तरह पहाड़ी इलाकों में बर्फ हुआ है और मैदानी इलाकों में बारिश। जो कल रात को सबसे ज्यादा बारिश हुआ, सबसे ज्यादा श्रीनगर में हुआ है 18 मिलीमीटर, लेकिन कोई भी कहीं भी जगह पे कोई ज्यादा बारिश का नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको, श्रीनगर में हुआ है 18, मतलब सबसे ज्यादा 18, उसी तरह गुलमर्ग में 20-21 मिलीमीटर हुआ है, मतलब वही 15-16-17 के आसपास इतना मतलब बारिश हुआ है, इससे ज्यादा बारिश नहीं हुआ है। जम्मू रीजन में एक दो जगहों पे हुआ है, जैसे बनियाल में हुआ है 3 मिलीमीटर और इसी तरह और एक जगह जैसे बटोत साइड में हुआ, बटोत में हल्की सी बारिश हुआ है, फ्रेश साइड ज्यादा बारिश नहीं हुआ है। आज मौसम दिन भर उबरलू रहने का इम्कान है, आज भी चंद जगहों पे हल्की फुल्की बारिश का इम्कान है, पर ज्यादा बारिश कहीं पे भी नहीं है। आगे के लिए क्या मौसम रहेगा? कल भी मौसम आमतौर पर उबरलू ही रहने का इम्कान है, ज्यादा बारिश का इम्कान नहीं है। फिर एक 28-29 को ठीक है, 27-28-29 को ठीक है, 29-30 को फिर बारिश होने का इम्कान है चंद जगहों पे, ज्यादा बारिश होने का इम्कान नहीं है। सर, आज हार्वेस्टिंग का सीजन चल रहा है, तो किसान भाइयों के लिए क्या मैसेज रहेगी? हार्वेस्टिंग कर आप देखो किसान भाई की बात, एक तो हार्वेस्टिंग का सीजन चल रहा है, ज्यादा बारिश होगा तो नुकसान होता है। इतना बारिश ज्यादा नहीं हुआ, बारिश हुआ है बेशक, पर मतलब बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल नहीं हुआ है, तो एक तो ये। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी वैसे भी पानी का भी दिक्कत है, क्योंकि वाटर लेवल काफी डाउन था, तो अभी थोड़ा सा जो बारिश होने से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे, तो किसान जैसे आप खेती वगैरह वो कर सकते हैं, खेती जैसे कटाई का आजकल चल रहा है, हार्वेस्टिंग आजकल कर सकते हैं, पर बीच बीच में बारिश का पॉसिबिलिटीज है, आप एक हर जगह बारिश का नहीं है, मतलब रुक रुक के बारिश का इम्कान है आज। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू साहब।